हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है आदस्कार। मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आप कैसे बैंक डिटेल्स अपने बैंक में कैसे ला सकते हो, और जिनको अपना नया बैंक डिटेल्स है और पुराना बैंक डिटेल्स को चेंज करना है वो कैसे करना है, इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना होगा। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आपको क्रिएट करना होगा आपका आपका जो बैंक है, आपको जो बैंक आपको प्रिंट में दिखना है वो बैंक का आपको लेजर क्रिएट करना होगा। मेरे को बैंक ऑफ बड़ौदा का लेजर क्रिएट करना है। मेरे को प्रिंट में बैंक ऑफ बड़ौदा दिखना चाहिए, इसके लिए मैं वो क्रिएट कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे को अंदर में बैंक अकाउंट लेना है। अंदर में आपको बैंक अकाउंट लेना होगा। उसके बाद आपको अकाउंट नंबर, IFSC कोड है, स्विच कोड है, बैंक नेम है, बैंक ब्रांच है, वो सब आपको लिखना होगा। उसके बाद आपको यहाँ से सेव करना। सेव करने के बाद आपको एक बिल पे जाना होगा। बिल में जाने के बाद आपको यहाँ से प्रिंट करंट, उसके बाद आपको कॉन्फ़िगर में जाना होगा। कॉन्फ़िगर के जाने के बाद आपको शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से टाइप करना होगा बैंक। बैंक के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा शो बैंक डिटेल्स, उसको आपको यस करना होगा। यस करने के बाद आपको बैंक नेम है, मेरे में डिफॉल्ट दिखा रहा है, उसके बाद उसको मैं एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद उसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद आप प्रीव्यू जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे मेरा बैंक डिटेल्स है, यहाँ देख सकते हो मेरा बैंक डिटेल्स है, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर, IFSC को यहाँ पे दिखने लग जाए। इस तरीके से आप अपने बैंक डिटेल से वो आप कैसे डाल सकते हो, कैसे चेंज करना है, वो इस प्रोसेस से आपका हो जाएगा। जिन लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए वो लाइक करें और शेयर करें। जो मेरे चैनल में नए हो वो सब्सक्राइब करें। मैं ऐसा वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।